Now, third question of your question number 6. Under root of 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta is equal to sec theta minus tan theta. ये हमें प्रूफ करना है. Consider. Left hand side. अब एक काम करेंगे, इसे यहां पे हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के. हमेशा जब भी ऐसा रहा ना तो क्या करने का, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देने का. डिनोमिनेटर कौन है, 1 प्लस साइन थीटा. तो यहां पे देखिए ये लिखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा इज 1 माइनस साइन थीटा. 1 प्लस साइन थीटा का कॉन्जुगेट जो है वो 1 माइनस साइन थीटा है. सो उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड. ठीक है, अब आपको मिलता है 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन. ऐसे क्यों लिखा सर, तो देखिए ये टर्म दो बार मल्टीप्लाई हो रही है. यदि टर्म दो बार मल्टीप्लाई होती तो उसका स्क्वायर हो जाता है. सो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब यहां पे ए जो है 1 प्लस ए 1 है, बी है साइन थीटा, यहां पे ए 1 है बी है साइन थीटा. सो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. इसका आंसर हमेशा आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसका भी आंसर हमेशा आएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. सो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो यहां पे आएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब देखिए यहां पे ये रहने देते हैं 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर में, अपॉन 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा. वी नो, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हमने पढ़ा है. तो इसका मतलब यदि मैं यहां पे कॉस स्क्वायर को सिंगल रख दू तो मुझे मिलता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. मतलब ही मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा मिला. तो इसके नीचे मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख दू, क्योंकि इसके जस्ट पहले वाले स्टेप में 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा है. 1 स्क्वायर का आंसर 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा. तो इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया. और न्यूमरेटर जो है वैसे का वैसे ही है. अब हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट लेंगे. ठीक है, सो यहां पे यदि स्क्वायर रूट ले लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है तो वो बाहर आ जाएंगे, तो वो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. यदि स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो वो कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है. तो ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का भी रूट कॉस थीटा होता है. सो आपको 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा मिला. अब जब हमने पढ़ा है कि 1 प्लस 2 अपॉन 2 यदि रहा तो उसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हैं. तभी तो जाके आपने किया कि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए न्यूमरेटर को ऐड कर दो और डिनोमिनेटर कॉमन रख दो. ये वही किया आपने कि जब आपके डिनोमिनेटर कॉमन रहते हैं तब न्यूमरेटर का एडिशन होता है. सो यदि न्यूमरेटर का एडिशन एक्सप्रेस है सेम डिनोमिनेटर के साथ तो उस डिनोमिनेटर को इंडिविजुअल न्यूमरेटर के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो 1 प्लस 2 अपॉन 2 को मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं 1 अपॉन 2 प्लस 2 अपॉन 2. मतलब कि एक हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ एक्सप्रेस होगा, तो यहां पे हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ एक्सप्रेस होगा. सो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये ऐसे एक्सप्रेस होगा. क्योंकि तभी जाके तो आपने समझा ना कि अरे इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो न्यूमरेटर का सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है. तो यहां पे इस स्टेप से आप ये स्टेप करा करते थे कि डिनोमिनेटर सेम है दोनों टर्म्स का, तो इसलिए डिनोमिनेटर कॉस थीटा रखा और 1 माइनस साइन थीटा सब्सट्रैक्ट कर दिया. तो इसी को मैं उल्टा कर रहा हूं, अब 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो उस
का डिनोमिनेटर हर न्यूमरेटर के साथ सेपरेट कर दे रहा हूं। सो 1 अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। नाउ 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है? sec थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। ओके, यहां पे लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा होता है sec थीटा और sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा। तो हमने वही रिप्लेस किया कि 1 अपॉन cos थीटा को sec थीटा लिख दिया और sin थीटा अपॉन cos थीटा को tan थीटा लिख दिया। सो यहां पे आ गया, इसको नाम दे दीजिए 1, रोमन नंबर 1। RHS इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा, ये रोमन नंबर 2। देयरफॉर फ्रॉम रोमन 1 एंड रोमन 2 LHS या RHS के बराबर आ रही है, क्योंकि LHS का आंसर भी sec थीटा माइनस tan थीटा है और RHS तो sec थीटा माइनस tan थीटा ही थी। देयरफॉर यहां पे लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा इज एक्सप्रेस्ड एज sec थीटा माइनस tan थीटा, हेंस प्रूव्ड। प्लीज नोट दैट दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ फोर्थ सब क्वेश्चन, sec थीटा माइनस cos थीटा इंटू cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इंटू sec थीटा, मतलब हमें प्रूव करना है। नाउ सी LHS sec थीटा माइनस cos थीटा इंटू cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू। अब देखिए, आप RHS की चिंता मत करिए, क्योंकि राइट हैंड साइड में इनका सिंप्लीफिकेशन साइन और कॉस में होगा, एट द मैक्स उसके नीचे जाएगा नहीं। तो हमेशा क्या करना, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आता है आंसर का वो देखना। sec cos cot tan सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, और ये भी साइन कॉस में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब अपना आंसर साइन कॉस में भी इक्वेट करके हम ला सकते हैं, या इससे यदि tan थीटा इंटू sec थीटा है तो वो तो बेहतर ही है। लेकिन हमेशा बेसिक के बारे में सोचना कि ये सब रेशियोज जो है वो साइन कॉस में कन्वर्ट हो सकते हैं आसानी से। तो मैं sec थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूं, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा मुझे पता है, माइनस cos थीटा वैसे का वैसे ही, इनटू cot थीटा मतलब होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, सो मैंने इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया सबको। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पे इसके नीचे 1 है तो यहाँ पे कॉस थीटा इंटू 1 हो जाएगा, और ये फिर डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलता है। सो 1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया 1 1 के साथ और कॉस थीटा के साथ, ये हो जाएगा इधर भी वैसे ही डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, क्या किया हमने, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर उसके बाद कॉस थीटा, ये कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होंगे और साइन थीटा से मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। नाउ 1 इंटू 1 होता है 1, माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 होता है कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वैसे का वैसे। नाउ सी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहां पे लिख देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा जो है वो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा को जगह पे रखा, इक्वल टू जगह पे सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा 1 के पास गया, सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। सो साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूं।
सो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, नाउ इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है वन, वन अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। देखिए अपना लगभग सॉल्व हो गया है प्रॉब्लम, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है तो न्यूमरेटर वन आ गया और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वैसे के वैसे। अब यहां पे ये मल्टीप्लीकेशन में है सो यहां पे क्या मैं ऊपर ऐसे लिख सकता हूं साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम इनको कुछ इस कदर रीअरेंज करेंगे कि अपना आंसर टैन थीटा इंटू सेक थीटा आना चाहिए। पहले क्या कैंसिल होता है वो देखते हैं, तो ये एक साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ये डिवीजन में साइन थीटा साइन थीटा, सो साइन थीटा विल गेट कैंसिल। तो अब आपके पास बचा क्या, सो नाउ यू आर रिमेनिंग विथ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू वन अपॉन कॉस थीटा, यही बचा आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू वन अपॉन कॉस थीटा, वही बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू वन अपॉन कॉस थीटा, वही लिखा है मैंने। लेकिन मुझे बताया कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा, और वन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है दैट इज सेक थीटा। सो यहां पे टैन थीटा इंटू सेक थीटा, नाउ दिस इज वन और यहां पे लिखेंगे बट RHS is equal to tan theta into sec theta, this is 2. So from Roman number 1 and 2, so from 1 and 2, LHS जो है वो RHS के बराबर आ जाएंगे, LHS is sec theta minus cos theta into cot theta plus tan theta is equal to tan theta into sec theta. Hence proved. तो मैं यहां पे जो ट्रिक बताता हूं वो आप ध्यान में रखिए, जब भी आपको साइन कॉस में कन्वर्ट आप कर सकते हैं, जैसे कॉस टैन दिया है सेक दिया है, तो आप ये देखिए कि उसको साइन कॉस में अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा, आखिरी में जाके वो साइन कॉस में कन्वर्ट होने वाला है क्योंकि साइन कॉस और किसी में कन्वर्ट नहीं होता। तो बेझिझक होकर साइन कॉस में कन्वर्ट करते चलिए और वो आपको आंसर दे जाएगा। सिमिलरली जब इसके पहले रूट वाला प्रॉब्लम हुआ जिसमें अपॉन में वन माइनस वन माइनस कोई रेशो था, तो हमेशा डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना तो आपका आंसर उससे भी सॉल्व हो जाता है। तो ये कुछ ट्रिक्स है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। सो ये ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप अननोन प्रॉब्लम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो इसलिए डरिए मत, सिर्फ प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखिए और कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज कर सकते हैं दिमाग लगाइए। धीरे धीरे जमेंगे, थर्ड प्रैक्टिस में आपको क्लियर हो जाएगा। तो तीन चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगनी चाहिए। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है कि सेक थीटा टैन थीटा कॉट थीटा ये साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर देने का, सो आपकी झंझट खत्म हो जाती है और आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाता है। सो प्लीज नोट दैट दिस इज द फोर्थ सब क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6।